और अजीज व्यूवर्स, आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग है। ये मैंने एक सवाल सॉल्व करा है। बेसिकली ये सवाल एक आया था मेरे पास, हेलिकल गियर फाइंड, टीथ, पिच डाया, हाइट, कटर नंबर, लीड, मशीन लीड एंड गियर ट्रेन। यानी मुझे सारी चीज़ें मालूम करनी है। अब मेरे पास एक स्केच आया, ये जो टीथ है ये हेलिकल गियर है, इसमें जो बोर हुआ है वो 24H7 का हुआ है, यानी रिमर H7 का चलाया गया है। सरफेस सतह जो है इंतहाई फिनिश है। इसके टीथ का जो एंगल है ये 19° 40' है, ओडी 50.7 mm। अच्छा, इसकी हाइट भी नहीं है, हाइट भी मालूम करनी है। डेटा हमारे पास क्या है, मॉड्यूल 1.5, मशीन पिच जो मिलिंग मशीन है उसकी 5 mm की पिच है। हमारे पास दो तीन चीज़ें इसमें हमें काफ़ी मालूम करनी पड़ेगी। मशीन लीड मालूम करनी है, मशीन लीड ये चले। सबसे पहले तो हम ये वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है, ये वाली नंबर 1 जेड यानी टीथ, ओडी डिवाइडेड बाई एम -2 कॉस बीटा। -2 19° 40' ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर मैं कराने चलूँगा तो उसमें जाहिर है आपको बहुत टाइम लग जाएगा। 50.7 1.5 -2 0.9436, इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 33। तो जेड हमारे पास कितने आ गए इस गियर के, जेड आ गए हमारे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जेड बराबर है 33। ठीक है, ये देखने किस तरीके से इसको मैंने हल करा है। अब मैं इसको रिमूव करूँगा। चले जी, ये देखा जेड आ गए हमारे पास कितने, 30। अब आएगा पिच डाया, पिच डाया मालूम करते हैं जी। ये जिस पे मैं ये लाइन लगाया जा रहा हूँ, समझने ये मालूम होता जा रहा है। नंबर 2 पिच डाया, इसका फार्मूला आपको पता है, ये बराबर होता है ओडी -2 मॉड्यूल। फिफ्टी पॉइंट सेवन माइनस टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव फिफ्टी पॉइंट सेवन माइनस थ्री फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन एम एम। तो चले जी, ये हमारे पास पी डी आ गया, मैं इसको शॉर्ट लिख देता हूँ, पी डी 47.7। ये भी मालूम हो गया, पिच डाया भी मालूम हो गया। अब हम इसकी हाइट मालूम करेंगे, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखिए, टीथ भी मालूम हो गए, पिच डाया भी मालूम हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब रह गई हमारी हाइट, ये हाइट है, ये टीथ की हाइट है। तो फार्मूला हमारे पास नंबर 3 आता है, एच ये बराबर होता है 13/6 × m, मॉड्यूल का 13/6 हिस्सा डेप्थ होता है। अच्छा, ये जो 13/6 इसको हम जब सॉल्व करेंगे वही वैल्यू आ जाती है 2.166 या 2.157, तो वो इशू नहीं है। चले जी, 13/6 × 1.5
ये इक्वल आ गया 3.25 mm। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 6 से डिवाइड कर दें, या 6 से 13 को डिवाइड करके 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये जी हमारे पास डेप्थ आ गई 3.25। यानी इस कटर को मैं चला के गियर के ओडी से टच लूँगा और टेबल को 3.25 अप कर दूँगा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब हमारे पास आएगा, देखें ये भी मालूम हो गया, टीथ पिच डाया भी मालूम हो गया, हाइट भी मालूम हो गई जो यहाँ लिख दी है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अलग कर दिया। अब आ गया हमारे पास कटर नंबर। ये कटर नंबर थोड़ा फ़र्क होता है, इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है ये मैंने आपको बताया भी है, जेड कोस क्यू। जेड हमारे पास क्या है 30, कोस क्या है 0.9436। अच्छा, अक्सर वीडियो में मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है, चले मैं दोबारा यहाँ लिखवा दे दूँ ताकि जब आप इसको हल करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये क्यूब को मैं किस तरह लिखाऊँ यहाँ पे। ये देखा, ये तीन दफ़ा वैल्यू लिख के आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा 30 को या जो भी ऊपर तीत हो उसको तकसीम कर दें। तो हमारे पास जो आंसर आया इसका वो आया 35.7। यानी ये टेबल होता है कटर नंबर 6 इस्तेमाल करना है हमने, ये जो तीत काट सकता है, ये काट सकता है 35 to 54 तीत। कटर नंबर 6 इस्तेमाल होगा जो 35 से 54 54 दांत तक या 54 तीत तक काट सकता हो। चले जी, कटर नंबर भी हमें मालूम हो गया, अब लीड मालूम करनी है। चलें इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, कटर नंबर भी मालूम हो गया। अब हमारे पास रहेगी जाप की लीड। अभी मशीन लीड नहीं है, अभी दूर है, ये कुमा लिखा हुआ है मैंने। अब हम जाप की लीड मालूम करेंगे। लीड का फार्मूला PD मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई कॉट। PD हमारे पास क्या था 47.7, पाई की वैल्यू आपको पता है, कॉट 19 डिग्री 40 मिनट के कॉट की वैल्यू है 2.8502। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 427 mm। ये कुछ थोड़ा सा इशारिया में भी आ रहा है। अब बात तो ऐसा करते हैं कि इसको 27 की बजाय 20 के ले लेते हैं, लेकिन हम इसे को ही हल करेंगे 427 mm। तो ये आ गई आपकी लीड। ठीक है, ये मैं L लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लीड आ गई 427 mm। ओके, चलिए जी, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं मशीन की लीड मालूम करूँगा। अब हमारे पास है ये मशीन की लीड। मशीन की लीड के लिए हमें ये मशीन के लीड स्क्रू की पिच पता होनी चाहिए। ये 5 mm की पिच है और डिवाइडिंग हेड का रेशो आपको पता है कि उसकी जो रेशो होता है 1:40 होता है। तो हमारे पास पिच ऑफ मशीन, ये मैं लिख देता हूँ, वरना हमारे पास बार दफ़ा एस लिखते हैं फिर उसके टर्न जो है वो एन के लिखते हैं, मल्टीप्लाई 40। ये डिवाइडिंग हेड का रेशियो है, मैं यह डिवाइडिंग हेड रेशियो भी लिख सकता था। अब पिच हमारे पास क्या है 5 mm। चले जी, 5 40, ये मशीन लीड हो गई 200 mm। ठीक है, मशीन की लीड हो गई 200। अब आपके पास हो गई दो लीड है, एक मशीन की लीड और एक जॉब की लीड। तो अब मैं इसको रिमूव करूँगा, ये जहन में रख लें कि M लीड जो है ये स्मॉल L को मैं कर देता हूँ,
ये हो गई हमारे पास 200। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब हम चलें जी, अब हम गेट ट्रेन इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये गेट ट्रेन हमारे पास लीडें दोनों आ गई। इसका फार्मूला होता है गेट ट्रेन बराबर है Z1 Z2। अगर चार होंगे तो ये Z3 Z4। ठीक है ना, अभी तो फिलहाल हम इसको हल करते हैं। तो ये बराबर होती है मशीन लीड डिवाइडेड बाई जॉब लीड। मशीन लीड आपको पता है क्या है, 200। जॉब लीड 4 to 7। अब मैं इसको हल करूँगा। जाहिर है थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसी है, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटर का अब सहारा लेना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि 200 डिवाइड 4 to 7 0.468384 07 डिवाइडेड बाई 1। यानी मैंने 200 को 427 से तकसीम कर दिया। अब हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर ये देखें 0.468384 07 डिवाइडेड बाई 1। मैं 10 से मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको इस एक को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इस वैल्यू को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो के ऊपर की रकम बहुत छोटी है तो मैं दोनों तरफ 62 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये 62 ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 29.03। ये 03 को हटा दें तो अब आ गया हमारे पास ये गेट, यानी Z1 और Z2। ये जो Z1 है, याद रखिएगा ये फैक्टर आपको खुद लेने पड़ते हैं। जिससे आप नीचे मल्टीप्लाई करें उसी वैल्यू से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 जो है ये ड्राइवर है, ड्राइवर ये आएगा लीड स्क्रू पर, ड्रिवन ये आ जाएगा डिवाइडिंग हेड के वर्म के ऊपर। बीच में एक गियर लगेगा आइडियल, वो सिर्फ इन दोनों को जोड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया इसका तरीक़ेकार क्या होता है। बड़ा सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन करनी कौन सी है, किस तरीके से करनी है। ये मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से क्योंकि अक्सर पे सवाल आते हैं कि गियर ट्रेन हम कैसे निकालें। तो देखें, ये सिंपल मेथड है, वरना मैं इसको चार गियरों में भी निकाल सकता था, लेकिन अभी मैंने दो गियरों में इसको निकाला है। बीच में कोई सा भी आप इसमें गियर लगा दें। ये ड्राइवर है, ये ड्रीवन है। Z1 आपको पता है लीड स्क्रू पर आएगा मिलिंग की, और Z2 जो है वो डिवाइडिंग हेड के वर्म पे। सेंटर में जो गियर लगेगा वो सिर्फ इनको चलाने के लिए, बस ये देख लीजिएगा राइट है लेफ्ट है। इसके साथ ही शाहिन निसार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।